इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं। 16 सितंबर 2021 विश्वास की घोषणा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक चंगा करने वाले के रूप में रहता हूं। मैं अपने आसपास के लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हूं। मैं गिरे हुओं को उठाता हूं, टूटे हुओं को पुनर्स्थापित करता हूं और निराश लोगों को प्रोत्साहित करता हूं। मैं करुणा और दया से भरा हुआ हूं। मैं सिर्फ एक चमत्कार की तलाश नहीं करूंगा, बल्कि दूसरों के लिए मैं जहां भी जाऊंगा ईश्वर के प्यार और दया को दिखाकर किसी का चमत्कार बनूंगा। यह मेरी घोषणा है। दिव्य स्वास्थ्य की स्वीकारोक्ति, ईश्वर की महिमा। मैं अलौकिक के क्षेत्र में कार्य करता हूं। मैं किसी भी प्रकार के कष्ट या दुर्बलता के प्रति संवेदनशील नहीं हूं। जब मनुष्य बीमारी और महामारियों से नीचे गिरा दिया जाता है, मैं घोषणा करता हूं कि इधर उठाया जा रहा है और मैं हर जगह लोगों को ईश्वरीय विश्वास के स्तर तक उठाता हूं। यीशु के नाम पर आमीन। मैं जैसा कहूंगा मुझे यीशु के नाम पर वही मिलेगा। मैं मजबूत हूं यीशु के नाम पर। मैं स्वस्थ हूं यीशु के नाम पर। मैं धन्य हूं यीशु के नाम पर। मैं शक्तिशाली हूं यीशु के नाम पर। मैं अभिषिक्त हूं यीशु के नाम पर। मैं आजाद हूं यीशु के नाम पर। मैं ईश्वर को प्रिय हूं यीशु के नाम पर। मैं ईश्वर और मानव जाति का कृपा पात्र हूं यीशु के नाम पर। मैं वही बोलता हूं जो मैं देखना चाहता हूं, ना कि जो मैं देखता हूं यीशु के नाम पर। मैं एक अनमोल बीज हूं यीशु के नाम पर। मुझे अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया है यीशु के नाम पर। मेरे प्रभु के दरबार में मैं ताड़ के पेड़ की तरह पनपता हूँ। मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करता हूँ। मैं पौधों के रस से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी प्रभु में हरा हूँ। मैं ताजा और समृद्ध होऊंगा। मेरा पत्ता कभी नहीं मुरझाता और जो कुछ भी मैं यीशु के नाम पर करता हूँ संपन्न हो जाता हूँ। यीशु के नाम में चीजें हमेशा मेरे लिए काम कर रही है। मैं मसीह यीशु में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ। यीशु के नाम पर मैं अपने शरीर से बात करता हूँ। मैं आत्मा हूँ। मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं। मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को आज्ञा देती है। मेरा अंतर्मन सुनता है, पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देता और मेरा शरीर पालन करता है। ईश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में स्पष्ट और व्यक्त है। मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ। मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ। मसीह के मनोभाव की तरह परिपूर्ण हो जा और मैं तुम्हें ईश्वर के शब्द द्वारा संरेखित करने की आज्ञा देता हूँ। मैं अपने कांडरा अर्थात स्नायु और नसों के लिए जीवन बोलता हूँ। मैं अपनी मांसपेशियों और स्नायु बंधन को ताकत बोलता हूँ। मैं अपने दिल से बड़ी जीवन शक्ति की बात कहता हूँ। मैं सामान्य वेंटिलेशन अर्थात वायु संचार और छिड़काव अनुपात बनाए रखने के लिए अपने फेफड़ों और ऊतकों से बात करता हूँ। मैं अपनी किडनी को परिपूर्णता बोलता हूँ। मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है। मेरी हड्डी, जोड़ और उपास्थि संरेखित, मजबूत और दृढ़ है। मेरी उंगलियां उत्कृष्ट रूप से कार्य करती है। मेरी आंखें स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान इष्टतम काम करते हैं। मेरी त्वचा एक नए जन्मे बच्चे और ईश्वर की सुंदरता के समान चिकनी और स्वस्थ है। मेरे बाल कोष कड़े हो गए हैं। मैं अपने बालों को अपने जगह में रहने की आज्ञा देता हूँ और जहाँ विकास की आवश्यकता होती है मैं अपने कोष में वृद्धि जारी करता हूँ। मेरे दांत, मसूड़े, जवा, बंद और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ति सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण हैं। मेरे सभी हार्मोन और न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ
पूर्ण सामंजस्य में है और अपने कार्यों को सामान्य रूप से निष्पादित कर रहा है। मेरा पाचन तंत्र सभी खाद्य पदार्थों को पचाने, अवशोषित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चयापचय अवशिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सर्जित होते हैं। मेरी प्रजनन प्रणाली पर्याप्त मात्रा और गतिशीलता शुक्राणुओं का उत्पादन और जमा कर रही है। मेरी प्रजनन प्रणाली समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रही है, जन्म तक भ्रूण की रक्षा और पोषण करती है। मेरे शरीर का हर एक अंग, हर एक कोशिका ठीक उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए रूपांकित किया है। यीशु के नाम पर मैं अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी और कुरूपता को रोकता हूँ। मेरा पूरा मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान मसीह यीशु में परिपूर्ण है। हालेलुया, आमेन। मैं जानता हूँ पिता ईश्वर मुझे प्यार करता है। मैं जानता हूँ पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है। मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है।